पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। रूप अलंकार ज्वेलर्स गढ़देवी चौक गढ़वा, सोने चांदी के आभूषणों का उत्तम कलेक्शन। कल 27/5/2020 दिन बुध व चिनिया के टोला अन्हारी में रात करीब 2 बजे के आसपास चिनिया के रोजित मंसूरी पिता स्वर्गीय नसरुद्दीन मंसूरी के घर अज्ञात चोरों ने बक्से में रखे 65,000 रुपये लेकर चले गए और किसी के कानों में भनक तक नहीं लगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार रोजित मंसूरी के घर में उनकी बेटी और दामाद सोए हुए थे। गर्मी के कारण दरवाजा अंदर से लॉक नहीं किया गया था। बगल के कमरा में रोजित भी सोया हुआ था कि अज्ञात चोरों ने करीब 2 से 3 बजे के बीच में घरों में घुसकर तथा बक्से के ताले तोड़कर उसमें रखे 65,000 रुपये चोरी कर लिए, जबकि उसी बक्से में रखे जेवर को चोरों ने हाथ तक नहीं लगाया। जब सुबह 6 बजे रोजित मंसूरी की छोटी बेटी सानिया सोकर उठी और अपने घर के पीछे गई तो बक्सा देखा और बक्से के ताले टूटा हुआ था, तो घर के सभी लोगों को बताया। जब बक्से को खोलकर रोजित मंसूरी ने देखा तो उसमें रखे 65,000 रुपये गायब थे। इसकी सूचना चिनिया थाना को दिए। तुरंत चिनिया थाना प्रभारी वीरेंद्र कुमार हांसदा ने अपने सैनिकों के साथ पीड़ित के घर पहुंचे तथा घटना स्थल का जायजा लिया। पीड़ित रोजित मंसूरी के पूरे परिवार ने बताया कि अपनी बेटी की शादी के लिए हम लोगों ने किसी तरह इतना पैसा जमा किया था, अब हमारी बेटी की शादी कैसे होगी पता नहीं। बेटी की शादी इसी वर्ष करनी थी, जिसका हम लोगों ने विराजपुर में शादी पक्की भी कर दी थी। सब परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। सूचना लिखे जाने तक चिनिया थाने में आवेदन देकर अज्ञात चोरों पर केस दर्ज हो चुकी थी तथा इस केस को संज्ञान में लेते हुए थाना प्रभारी वीरेंद्र कुमार हांसदा ने चोरों को धर पकड़ के लिए छापेमारी शुरू कर दी थी।